पहले खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सैकड़ों युवाओं और छात्रों में अग्निपथ योजना के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। योजना के विरोध में सैकड़ों युवाओं और छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि यदि इस अग्निपथ योजना को जल्द ही वापस नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सर, हमने जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है। ये एक सेना को तोड़ने का काम है। ये टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधान में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले हैं। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो बंदा जाएगा कहाँ? हमारी ये मांग है कि टूर ऑफ ड्यूटी को वापस लिया जाए। जो आर्मी का रिटर्न इतने सालों से रोक रखा है, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रोक रखी है, उसको दोबारा से करा जाए सुचारू रूप से। और आने वाले भाई लोग, इन भाई का भी भर्ती की उम्र स्टार्ट हुई है, ये बेचारे 4 साल के लिए क्यों जाएंगे? डिफेंस ने एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज की खटीमा के युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स रखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे, उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान स्तर से। सर, उत्तराखंड जो है हमेशा से एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक, सबसे निकाजे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तराखंड ही देखता है, क्योंकि एक समस्या है कि भाई 2 साल से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, तो उनका ये भी समस्या का हम उचित माध्यम से ऊपर पहुँचा देंगे।